एवरीवन, दिस इज़ लामिया एंड वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आई एम ऑल्सो वेरी वेल, बट मैं जस्ट थोड़ा सा बिजी थी। मैं वीडियो कोई नहीं बना सकी थी क्योंकि मेरी बेसिकली ट्रेनिंग हो रही थी एंड देर वर लाइक सम एग्ज़ाम्स, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। सो आज बेसिकली फाइनली मेरा ऑफ डे है और मैं आई हुई हूँ कॉर्निश, शारजा कॉर्निश पर बेसिकली वॉक करने के लिए। मेरी प्रैक्टिस है, मैं यूजली आती हूँ जब भी मेरा लाइक ऑफ डे होता है, या तो मैं सुबह आती हूँ या शाम में आती हूँ। तो शाम में यहाँ पर बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होता है, लाइक यू रियली इन्जॉय। सो बिहाइंड मी यू नो यू कैन सी के काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पर, फैमिलीज भी होती हैं इस टाइम पर, और सनसेट, आई लव टू वॉच सनसेट। ओके जी गाइस, सो आज की जो वीडियो है वो है बेसिकली अबाउट हाउ टू गेट जॉब इन यूएई। तो मुझे ये काफ़ी मैसेजेस आए थे इंस्टाग्राम पे भी, और वैसे भी लोगों को काफ़ी जो है क्यूरियोसिटी होती है कि मतलब अगर वो यूएई में आ रहे हैं तो पहले तो मतलब किस तरह से चीज़ें होंगी और उन लोगों को जॉब कैसे मिलेगी। तो आज की जो वीडियो है मैं उसके बारे में बात करूँगी कि अगर तो आप यूएई में लाइक यू आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आप लोग मतलब कैसे आप लोगों को जॉब्स, जो मेरे अपने एक्सपीरियंस से बेसिकली जो मैं आई हूँ, जो मैंने सर्चिंग की है, मेरा मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा है। सो आई विल बी गिविंग यू लाइक फ्यू टिप्स रिगार्डिंग हाउ टू गेट अ जॉब इन यूएई। सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड ऑलराइट गाइस, सो जो फर्स्ट थिंग जो है, लाइक द फर्स्ट थिंग विच रियली मेक्स अ डिफरेंट इज़ योर लाइक रिज्यूमे। जो रिज्यूमे होता है वो यू नो इट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज देखें वो जो होता है वो आपका इट्स लाइक अ फेस फॉर यू। सो मेक श्योर करें जो आपका रिज्यूमे है वो थोड़ा सा प्रोफेशनली यू नो इट शुड बी होना चाहिए। उसमें आपकी सारी चीज़ें मैंशन होनी चाहिए, लाइक रिगार्डिंग योर एक्सपीरियंस, योर स्ट्रेंथ, लिटिल बिट यू नो लिटिल बिट अबाउट यू। तो वो जो है वो काफ़ी प्रोफेशनल होना चाहिए। सो ये एक मैं पॉइंट आप लोगों को देना चाहूँगी, लाइक व्हेनेवर यू आर कमिंग ओवर हियर, सो जो रिज्यूमे है वो आप लाइक प्रोफेशनल, अगर नहीं भी आता आपको कोई मसला नहीं है, आजकल गूगल पे इतनी सारी आपको चीज़ें मिल जाती हैं, तो आप उस तरह से बिल्कुल अपना रिज्यूमे बना दीजिए। सो जो रिज्यूमे है दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। अब जब फर्स्ट स्टेप आपका हो गया है, सो द सेकंड स्टेप इज़ के जब भी आप यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर डिफरेंट जॉब पोर्टल्स हैं, लाइक डू विजल है, इंडीड है, एंड उसके अलावा गल्फ़ टैलेंट है, बहुत सारे यहाँ पे जॉब पोर्टल्स हैं। तो वो आपके लिए एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट होता है कि अगर तो आप उन सब पे यू नो अपना अकाउंट बनाएं, ठीक है, लाइक जितने भी जॉब पोर्टल्स हैं यहाँ पे यूएई में, जो सबसे ज़्यादा लाइक फेमस है, पॉपुलर है, वो है डूविजल एंड दिस इज़ इंडीड। इंडीड पे मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, लाइक जब मैं जॉब हंटिंग कर रही थी तो मैंने ज़्यादा लाइक इंडीड पर रिप्लाई किया था, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव लाइक एम्प्लॉयर्स होते हैं, और बहुत जल्दी रिस्पांस भी आपको मिल जाता है कि आपकी अगर उन्होंने सीवी देखी है या उन्होंने कुछ भी मतलब इवन दो अगर उन्होंने आपकी प्रोफाइल व्यू भी की है तो उसकी भी नोटिफिकेशन आपको आ जाती है। तो लाइक द सेकेंड स्टेप इज़ कि अपनी सीवी आपने जब अपडेट की है प्रॉपरली, तो यूँ आप सेकेंड स्टेप ये आपका होना चाहिए कि आप जितने भी जॉब पोर्टल्स हैं यूएई के, आप वहाँ पे अपना अकाउंट बनाएं, अपनी सीवी अपलोड करें और वहाँ पे एक्टिव रहें। जितनी भी जॉब आती रहती हैं, लाइक जॉब वैकेंसीज आती रहती हैं, आप उन पर अप्लाई करें। जो थर्ड स्टेप है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज़ के हैव अ लिंक्डइन प्रोफाइल। लिंक्डइन प्रोफाइल जो होती है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस करती है आपकी चीज़ों पे, एंड उसके अलावा बहुत ज़्यादा आजकल पॉपुलर है ये, और उसके अलावा बहुत ज़्यादा जो कंपनीज़ होती हैं, काफ़ी कंपनीज़ हैं, वो आपको लिंक्डइन पे भी रीच आउट करती हैं। सो मेक श्योर करें जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जो जिन जिन कंपनीज़ में आपने काम किया है, यू शुड हैव अ प्रॉपर लाइक प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन। सो ये भी एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है, क्योंकि यूएई में काफ़ी जो एम्प्लॉयर्स हैं वो यूएई लिंक्डइन पे भी हंट करते हैं, तो वो अभी आपकी प्रॉपरली अपडेटेड है। फोर्थ जो स्टेप है वो है बेसिकली यहाँ पर जो यूएई में काफ़ी यू नो वॉक इन इंटरव्यूज़ होते हैं, लाइक पाकिस्तान में ये इस तरह का ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, लाइक यू नो वॉक इन इंटरव्यूज़ का होते हैं लेकिन बहुत बहुत रेयर होते हैं। तो यूएई में ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, लाइक अगर आप किसी कंपनी में या होटल में कहीं पर भी आप यू नो यू आर विलिंग टू अप्लाई, तो वहाँ पे आप जा भी सकते हैं डायरेक्टली टू ड्रॉप योर सीवी। सो ये भी एक चीज़ काफ़ी हेल्पफुल होती है मेरी नज़र में, लाइक इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, जब मेरा टाइम था स्ट्रगलिंग व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर अ जॉब, तो मैंने भी ये चीज़ की है, एंड काफ़ी लोगों को मतलब इससे फ़ायदा भी होता है, और ऑफकोर्स थोड़ी स्ट्रगल होती है, बट ये भी एक है अगर आप यूएई में आएँ तो यू कैन ऑल्सो ट्राई यू नो गिविंग अप वॉक इन इंटरव्यूज़, क्योंकि यहाँ पर इंटरव्यू की जो कॉल्स होती हैं वो बहुत मुश्किल से आती हैं। कोई प्रॉपर कंपनी होगी वही आपको बुलाएगी, तो बेहतर है कि आप इट्स बेटर टू यू नो क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर योर सेल्फ, और क्या कहते हैं, बनिस्बत आप यू नो यू जस्ट कीप ऑन वेटिंग जस्ट फॉर द कॉल। ओके जी, जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि
अगर आपकी कोई फील्ड है, लाइक फॉर एग्जांपल यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ इंजीनियरिंग, तो आप इंजीनियरिंग से जो रिलेटेड जॉब्स हैं उनमें ज़्यादा आप अप्लाई करें. आपकी जो एक स्पेसिफिक फील्ड है उसको आप टारगेट करें. जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, आप एक उस चीज़ को टारगेट करें. बट दूसरी अगर जॉब्स आ रही हैं आप उन पर भी करें, बिकॉज ऑनेस्टली इट्स वेरी रेयर कि अगर कोई इंजीनियरिंग का है तो उसे इंजीनियरिंग की जॉब कर मिलती है, और अगर कोई यू नो इफ समन हैज अ सेक्रेटेरियल एक्सपीरियंस तो उसको सेक्रेटेरियल की ही मिलेगी. यहाँ पर इट्स नॉट लाइक दैट, मगर स्टिल आपकी जो फील्ड है आप उससे स्टिक भी रहें, लेकिन आप और भी यू नो चीज़ें सर्च करें. दैट इज़ ऑल्सो समथिंग रियली इम्पॉर्टेंट. एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू शेयर ओवर हियर कि यहाँ पर जैसे जितनी बड़ी कंपनीज हैं, लाइक एयरलाइंस हैं, एमिरेट्स हो गई, फ्लाई दुबई होगी, तो इन लोगों की बेसिकली अपनी वेबसाइट्स होती हैं. तो जिन कंपनी की अपनी वेबसाइट्स होती हैं तो यू नो इट्स बेटर कि आप उन पे खुद अप्लाई करें, रादर देन यू नो जस्ट गोइंग थ्रू जॉब पोर्टल्स और आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू अप्लाई करें. जैसे जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर अ शिपिंग कंपनी तो आप उनका नाम सर्च करें गूगल पे और उनकी वेबसाइट पे जाके खुद अपनी CV ड्रॉप करें. एंड उसके अलावा वन थिंग आई वुड लाइक टू शेयर कि अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो भी करते हैं, लाइक यू नो यू हैव डन वर्क इन इंटरव्यूज़, आपने CV भी बहुत प्रोफेशनल बनाई है, और क्या कहते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आपने की हैं, बट स्टिल लाइक यू नॉट एबल यू नो टू गेट द जॉब, तो मैं ये बोलना चाहूँगी यहाँ पे दैट यू नो डोंट गेट दिस हार्ट, लेकिन कीप ट्राइंग, बिकॉज यू नो UAE में काफ़ी लोग आते हैं टू गेट यू नो जॉब, अपना लक ट्राई करने, बट काफ़ियों को जॉब नहीं मिलती. अभी तो खैर मार्केट सिचुएशन भी ऐसी है, बट मोस्टली केस होता है मिल जाती है आपको जॉब, तो आप डिसहार्ट नहीं हों. और अगर तो आप घर पे हैं एंड आपके पास कोई भी एक्टिविटी नहीं है, सो आई विल एडवाइस यू कि आप अपनी कोई एक्टिविटी क्रिएट करें. जैसे कि मैंने यूट्यूब चैनल अपना बनाया है लाइक लास्ट ईयर इन क्वारंटीन व्हेन आई हैड नो अदर एक्टिविटी, और मेरे पास कुछ नहीं था करने के लिए. व्हेन वी वर लाइक लॉक्ड इन अ रूम इन द हाउसेज, वी वर नॉट एबल टू गो एनीवेयर. सो इट्स बेटर कि आप जो है अपनी कोई एक्टिविटी क्रिएट करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो आपको फ़ायदा दे दे. सो आप उस टाइम में अपनी कोई स्किल डिवेलप करें, जस्ट नॉट रिलाई ऑन वन थिंग. Alright guys, so that's it for now. जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपसे शेयर की हैं. सो ये बेसिकली मेरा फेवरेट व्यू होता है यहाँ पर. आई जस्ट लव इट. यहाँ पर अभी जो है सनसेट ऑलमोस्ट हो ही गया है. ये आप देख सकते हैं व्यू, इट्स रियली अमेजिंग. बाय द वे मैंने यहाँ पर अपना पहला व्लॉग बनाया था, विच यू कैन सी बिलो द वीडियो एंड ऊपर मेरे सजेशन बॉक्स में भी आपके आ रहा होगा. सो यू कैन ऑल्सो चेक दैट आउट एज वेल. सो अभी के लिए आई विल जस्ट बी इंजॉइंग माई इवनिंग ओवर हेयर. अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप, एंड इफ़ यू आर न्यू सो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब. सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अदर्स अराउंड यू.